बात सीमा हैदर की कर लेते हैं, जिसके मामले में रोज नए नए ट्विस्ट आ रहे हैं। अब एक प्रोड्यूसर ने ही कहा था कि सीमा हैदर को लेकर के वो एक फिल्म बनाने वाले हैं, लेकिन अब उस प्रोड्यूसर का कहना है कि उसे जान से मारने की धमकियां मिल रही है। पूरा मामला इस रिपोर्ट के जरिए जानिए। ये तस्वीरें कुछ दिन पहले की हैं, जब फिल्म निर्माता अमित जानी सीमा हैदर और सचिन के घर पहुंचे थे और ये घोषणा की थी कि वो सीमा को लेकर फिल्म बना रहे हैं। लेकिन अब अमित जानी का कहना है कि उन्हें जान से मारने की धमकी मिल रही है। कल शाम में एक व्हाट्सएप कॉल आई, वीडियो कॉल, मैंने नहीं उठाया, मैं व्हाट्सएप वीडियो कॉल नहीं उठाता। तो फिर वॉइस रिकॉर्ड एक मैसेज आया मेरे पास, उसने कहा मोनू मानेसर बात कर रहा हूँ, और अगर तुमने अमित जानी रोल दिया सीमा को तो गाली देके कहा कि हम तुम्हें गोली मार देंगे। अमित जानी का कहना है कि उन्हें पहले व्हाट्सएप कॉल आया, फिर धमकी भरा रिकॉर्डेड मैसेज आया, जिसमें धमकी देने वाले ने अपना नाम मोनू मानेसर बताया। इस बारे में अमित जानी ने एसपी मेरठ को एक पत्र लिखा है। तो मैं चाहता हूँ कि ये व्यक्ति जो मोनू मानेसर के नाम से फोन कर रहा है, मोनू मानेसर तो ये नहीं है, ये तो मैं भी जानता हूँ, क्योंकि मैंने यूट्यूब पे कल मोनू मानेसर की आवाज़ सुनी, ये आवाज़ और वो आवाज़ एकदम अलग है, और इसने अपने नंबर से, जिस भी नंबर से कॉल किया उसका व्हाट्सएप नंबर मेरे पास है। कल मुकम्मल तहरीर बना के एसएसपी महोदय मेरठ को दूंगा और इसके खिलाफ कार्रवाई की मांग करूंगा। ऐसे लोग जो किसी के नाम से धमकी देते हैं और गोली मारने से धमकी दे रहे हैं। इनका कहना है कि यूपी में योगी सरकार है और यूपी में अब अपराधियों की एक नहीं चलती है। हमें इन धमकियों से कोई डर नहीं लगता है, इसलिए नहीं लगता है क्योंकि शूटिंग उत्तर प्रदेश में होगी और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के होते हुए मच्छर भी मरने वाला नहीं है, आदमी की तो बात छोड़ दीजिए। सीमा हैदर जब से भारत में आई हैं तब से सुर्खियों में हैं। अब उन्हें लेकर फिल्म भी बनाने की बात चल रही है, लेकिन फिल्म निर्माता का कहना है कि उन्हें धमकी मिल रही है। सड़क पर गैंग वॉर, निशाने पर बाइक सवार, आपको दिखाएंगे 7:27 में खबरें झटपट में।